हे किटी, क्या पढ़ रही हो? ओ, रॉकेट कैसे बनाते हैं? वैसे ये तो काफी मजेदार लग रहा है। ये सब तुमको समझ तो आ रहा है ना? रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। वो तो है। हे दोस्तों, मुझे लगता है हम सबने किसी ना किसी को कहते सुना ही होगा, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। जब भी कभी किसी को कुछ समझने में मुश्किल आती है, तो आज के एपिसोड में आइए जाने और कोशिश करें समझने की रॉकेट साइंस की इस कमाल की दुनिया को, और पता लगाएं क्या सच में रॉकेट उड़ाना बहुत मुश्किल होता है। ज़ूमैन, इससे पहले कि दिमाग के घोड़े सीधे स्पेस में चले जाएं, पांव को जमीन पर टिकाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट की तरह रॉकेट्स पर भी न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन लागू होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। हाँ, तो पहला लॉ बताता है कि जब तक कोई फोर्स ना लगे, तब तक एक ऑब्जेक्ट क्या करता है। तो जब एक रॉकेट लॉन्च होने से पहले लॉन्चिंग पैड पर खड़ा होता है, वो तब तक खड़ा रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। इतना ही नहीं, अगर एक बार उसने गति पकड़ ली तो वो रुकेगा नहीं और ना डायरेक्शन बदलेगा जब तक कि फिर से उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। अब आता है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो बताता है कि एक ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा, उसे गति में लाने के लिए उतना ही फोर्स उस पर लगेगा। और इसी तरह अगर रॉकेट छोटा है और वजन कम है, तो उसमें कम मात्रा में फ्यूल लगेगा। वहीं अगर रॉकेट बहुत भारी है, तो उसमें ज्यादा मात्रा में फ्यूल लगेगा। और अब आती है सबसे जरूरी बात, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसके सिद्धांतों का रॉकेट के काम करने पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। तो थर्ड लॉ कहता है कि हर एक्शन का बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है। एक रॉकेट में जलता हुआ फ्यूल उसे आगे की तरफ धक्का देता है, जिससे वो आगे बढ़ता है। इससे एग्जॉस्ट गैस पर बराबर और विपरीत फोर्स लगता है पीछे की तरफ। तो आपने देखा कि रॉकेट को तेज स्पीड से ऊपर की तरफ लॉन्च करने में फ्यूल का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, जिसे रॉकेट साइंस में प्रोपेलेंट कहा जाता है, और जो सॉलिड और लिक्विड दोनों रूपों में पाया जाता है, जो रॉकेट के फ्यूल चेंबर में रखा जाता है। ये रखा हुआ फ्यूल ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर जलता है, तो गर्म गैस दूसरे छोर से बाहर निकलती है और रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलती है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में गति पैदा होती है। इसे कहते हैं जेट प्रोपल्शन। लेकिन जो जोर पैदा होता है, क्या वो रॉकेट लॉन्च के लिए काफी है? तो बात ऐसी है कि कभी कभी वो जोर काफी नहीं होता है और रॉकेट ऊपर नहीं जा पाता, और इस नाकामी से बचने के लिए कई स्टेजेस में काम होता है। पहली स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर्स को रॉकेट के साथ जोड़ा जाता है। अब ये जो पहली स्टेज होती है, उसकी बड़ी अहम भूमिका है, और उस पर रॉकेट को उसके सारे सामान सहित उठा सकने की जिम्मेदारी भी होती है। ये रॉकेट को 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पेस में ले जा सकता है। इसके बाद ये सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर्स जुड़े नहीं रहते, क्योंकि अपने सारे फ्यूल की खपत कर लेते हैं, और वहां पर मेन इंजन अपना काम शुरू करता है, जिसकी मदद से रॉकेट ऑर्बिट में और आगे जाता है, और ये भी अपने फ्यूल की खपत के बाद जुड़ा नहीं रहता, और ये प्रक्रिया इसी तरह से आगे चलती रहती है, जिससे धीरे धीरे रॉकेट अपनी एक तेज गति हासिल कर लेता है। ये अलग हुए हिस्से या तो समंदर में गिर जाते हैं या एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं, और सारी स्टेजेस पार कर लेने के बाद रॉकेट जिस चीज को लेकर जा रहा होता है, उसे आखिरकार उसी के ऑर्बिट में छोड़ आता है, और इस तरह एक रॉकेट को बहुत दूर भेज दिया जाता है, असीमित स्पेस में एक बेहतर भविष्य की तलाश में।
ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है पहले रॉकेट का आविष्कार 1100 एडी में चाइना में हुआ था। इन रॉकेट्स में सॉलिड प्रोपेलेंट्स लगते थे और इनका इस्तेमाल हथियार और पटाखों की तरह किया जाता था। साथ ही आप मानेंगे नहीं, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी के खिंचाव से दूर जाने के लिए एक रॉकेट को सफर करना होता है 7 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से। ये हुआ असली फास्ट एंड फ्यूरियस। उम्मीद है आज का एपिसोड मजेदार था। मिलते हैं अगली बार। मैं हूं डॉक्टर बायनॉक्स, जूमिंग आउट। मेरे साथ ही क्यों।